हेलो गाइस, वेलकम टू साइबर टेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं HP 15 लैपटॉप का रिव्यू करूंगा और ये 2021 मॉडल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको लैपटॉप का ओवरव्यू दे देता हूं। तो देख सकते हैं HP का ब्रांडिंग है टॉप में और ये सिल्वर कलर में है और काफ़ी लाइट वेट लगता है, हाथ में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये टॉप व्यू है, HP का ब्रांडिंग है और नीचे के साइड आपको एयर वेंट्स मिलता है और रबड़ ग्रिप है ताकि आपका लैपटॉप कहीं से स्लाइड ना करे अगर आप टेबल में रखेंगे तो। और ये राइट साइड का व्यू है, दो USB पोर्ट्स है, एक चार्जिंग का पोर्ट है और एक फुल साइज कार्ड रीडर है। और लेफ्ट पर बात करें तो यहाँ पर एक ईथरनेट का पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, एक टाइप सी का पोर्ट है, चार्जिंग का इंडिकेटर है और एक हेडफोन जैक भी दिया हुआ है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस लैपटॉप में हमें 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल देखने को मिलता है और ये LED बैकलाइट पैनल है और एंटी ग्लेयर है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और इसमें 250 निट्स का मैक्स ब्राइटनेस है जो कि ठीक ठाक है। रैम इसमें 8 GB देखने को मिलता है, DDR4 रैम है और 24 MHz का क्लॉक स्पीड है रैम का। प्रोसेसर है इसमें राइजन 3 3250U और जो कि है 2.6 GHz बेस फ्रीक्वेंसी और 3.5 GHz बूस्ट फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं। ग्राफिक्स में इनबिल्ट ग्राफिक्स आता है रेडियन वेगा 6 और कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है। 256 GB SSD और 1 TB हार्ड डिस्क के साथ आता है ये। और इसके साथ जो पावर अडाप्टर मिलता है वो 65 W का और 2022 में अगर आप इसे स्टोर्स में लेने जाएंगे तो विंडोज़ 11 वो लोग डाल के दे देते हैं आपको, बट ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो ये कंफर्म नहीं है। हालांकि ये विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो सकता है, अगर आपको 10 भी मिल जाता है तो आप विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सो गाइस, लैपटॉप का जो हिंज है वो बहुत अच्छा है और सिर्फ लीड पकड़ के लैपटॉप को ओपन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लीड ओपन करते ही लैपटॉप वेकअप हो जाता है या फिर आप बोल सकते हैं स्क्रीन ऑन हो जाता है। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है तो बार बार आपको पासवर्ड इसमें एंटर करना पड़ेगा। सो गाइस, लैपटॉप चालू हो गया है, मतलब कि मैंने पासवर्ड डाल दिया है। और अब मैं आपको सेटिंग्स खोल के दिखा देता हूँ सारे स्पेसिफिकेशंस लैपटॉप के, तो आप ये पॉज करके देख लीजिएगा। और इसमें विंडोज़ 11 मिलता है, एक्टिवेटेड है। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये ट्रैक पैड गेस्चर सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं दो फिंगर स्लाइड कर रहा हूँ तो वो ऐप्स ऊपर नीचे हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इसका व्यूइंग एंगल, तो IPS पैनल है, व्यूइंग एंगल अच्छा है, मेरे ख्याल से 170 डिग्री तक ठीक ठाक लगता है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं ट्रैक पैड और कीबोर्ड के बारे में। तो इसमें फुल साइज़ कीबोर्ड देखने को मिलता है और की ट्रैवल अच्छा है, टाइपिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट कीज़ है, अच्छा लगता है टाइप करने में। और ट्रैक पैड का साइज़ भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे तो नहीं हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े स्टिकर्स भी है और इसमें अप और डाउन एरो की ऐसा छोटा सा दिया हुआ है, तो अगर आपको वो सूट नहीं करता है तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और इसमें पाम रिजेक्शन भी है थोड़ा बहुत, जैसे अगर मैं ट्रैक पैड में हाथ रख के टाइप कर रहा हूँ तो वहाँ पर कर्सर मूव नहीं कर रहा है। सो गाइस, ये इसका वेबकैम और माइक का टेस्ट, और मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं यूज़ किया हुआ है, मतलब ये लैपटॉप के माइक का टेस्ट है। और वेबकैम से कैसा क्वालिटी आता है आप देख सकते हैं, मैं तो खैर एडिटिंग में देखूंगा क्या, वैसे इसमें तो कुछ खास क्वालिटी नहीं है, 720 वेबकैम है शायद इसमें और दो माइक्स है। और वेबकैम के साइड में लाइट चलता है जिससे पता चलता है कि वेबकैम वर्क कर, तो कमेंट्स में बताइए कि इसका वेबकैम का क्वालिटी कैसा लगा। सो गाइस, स्पीकर बिलो एवरेज है, ना ही लाउडनेस अच्छा है ना ही बेस अच्छा है, बस ट्रेबल भरा हुआ है, तो स्पीकर बिल्कुल ही बेकार है। और गाइस, ये स्टोरेज अगर आपको पॉज करके देखना है तो आप देख सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की। तो लैपटॉप अच्छा है, ठीक ठाक लैपटॉप है स्टूडेंट्स के लिए या फिर थोड़े लाइट वर्क्स के लिए, थोड़ा बहुत ऑफिस के काम के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए अच्छा लैपटॉप है। और लाइट वेट है, स्लिम भी है, तो आजकल जैसे स्लिम लैपटॉप बहुत अच्छा लगता है सबको। और बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है तो लिया जा सकता है।